सो हेलो गेमर्स, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज से एक साल पहले जब पबजी ग्लोबल था उस टाइम पे मैंने ट्रांसपेरेंट यूआई के बारे में वीडियो बनाई थी, और वहाँ पे है ना बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट्स ये कर रहे हैं कि जब अनबैन हुआ है बीजीएमआई, अब इसकी जो सेटिंग से अलग कर दी गई है और बहुत सारे लोगों की है ना ये ठीक तरीके से वर्क नहीं कर दिए। तो यहाँ पे अगर कंट्रोल पे आओगे सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट यूआई दिखने को मिलता है। बटन थोड़ा ऊपर कर दिया गया है, लेकिन इसमें है ना अभी कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, और बहुत सारे मोड में ये काम वर्क नहीं करता है, और आपको कैसे इसको वर्क में लाना है सब कुछ मैं आपको इन डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को इन तक जरूर से। अब दोस्तों अगर आपके BGMI के अंदर कोई भी एरर आ रहा होगा तो आप एक काम करो, गूगल पे जाओ, टेक्निकल के सब सर्च करो, वहां पे हमारी ऑफिशियल साइट आएगी, आपको मेनू बार पे जाना है और यहां पे गेमिंग को क्लिक कर देना। यहां पे हम सभी ने BGMI रिलेटेड जितने भी एरर्स आते हैं उसको फिक्स करने के सोल्यूशन बताई है। इन सोल्यूशन को यूज करके बहुत सारे लोगों की बहुत ही बढ़िया रिव्यू आ रही है, तो आप लोग इसको यूज करना और प्लीज वहां पर रेटिंग जरूर से दे देना, क्योंकि यार बहुत ही ज्यादा मेहनत से हम सभी ने आप सभी के लिए यहां पर रिप्रेजेंट करा है। और हाँ, आप सर्च बॉक्स में भी सर्च करके आप है ना अपनी जो भी क्वेरीज है इसको सॉर्ट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कंट्रोल पे आओगे और एडवांस कंट्रोल पे आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट यूआई मोड देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हो मेरा यहाँ पे इनेबल है, और यहाँ पे आप इनेबल और डिसेबल इसको कर सकते हो। तो चलो मैं इसको इनेबल करता हूँ, और इनेबल करने के बाद इसकी जो रिव्यू है यहाँ पे देख सकते हो कि आपको क्या करना है। आपको लेफ्ट साइड पे ऊपर छोटी सी एक BGMI लिखा हुआ रहेगा, एक छोटा सा बटन रहेगा, ठीक है, वाटरमार्क टाइप का, तो उसमें आपको कुछ सेकेंड होल्ड करना है। मिनिमम 10-15 सेकेंड होल्ड करोगे तो आपकी जो ट्रांसपेरेंट यूआई मोड है ना ये एक्टिवेट हो जाती है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग है ना जब पबजी ग्लोबल था तो उस टाइम पे मुझे याद नहीं है यार कि शायद वो वर्क करता है ताकि नहीं TDM के अंदर, लेकिन अभी के टाइम पे ये TDM के अंदर वर्क नहीं करता ये। तो चलो मैं आप सभी को यहाँ पे TDM प्ले करके दिखाता हूँ, और मेरी जो कंट्रोल है ना उसको मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा, क्योंकि जो मेरी फायर बटन है मैंने इसी के ऊपर सेट करके रखा था, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा नीचे करने के बाद उसमें आप सभी को यूज करके दिखाऊंगा। और मेरे यहाँ पे जो BGMI है यहाँ पे मेरा जो है ट्रांसपेरेंट यूआई वर्क नहीं किया, कहाँ पे TDM पे, और ट्रेनिंग मोड पे भी ये वर्क नहीं किया। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ TDM मोड के अंदर, और TDM मोड के अंदर आऊँगा तो ऊपर देख सकते हो मेरा जो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे BGMI का छोटा सा है ना एक बोल सकते हो एक वाटरमार्क टाइप का है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें देख सकते हो इसको मैं थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ, देखो मैं लॉन्ग प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अभी भी है ना क्या कर रहे हैं कि वो लोग TDM मोड में जाके इसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं, ये TDM मोड पे एक्टिवेट नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। नंबर वन, TDM मोड पे एक्टिवेट नहीं होगा। नंबर टू, आपको ट्रेनिंग मोड पे भी ये एक्टिवेट नहीं होता है। मैंने ट्रेनिंग मोड भी इसको ट्राई कर लिया। देखो ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है ना सिर्फ और सिर्फ वही है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1-1.5 साल पहले एक वीडियो बना चुका था जहां पे अभी आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉमेंट्स आ रहे हैं, तो सोचा यार और एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि अभी BGMI है और अनबैन है तो इस चीज़ के बारे में आप सभी को अपडेट कर दिया जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे गेम शुरू करा, गेम शुरू करने के बाद जब मैं ये जो वाटर मार्क है यहाँ पे मैं अगर लॉन्ग प्रेस करता हूँ, ध्यान से देखना, जैसे मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ 10 सेकेंड से लेकर 15 सेकेंड के अंदर टाइम लेता है, ये ट्रांसपेरेंट मोड देख सकते हो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे यही क्लियर होता है कि TDM और ट्रेनिंग मोड पे ये जो वर्क नहीं करता है, और इसी के लिए बहुत सारे लोग परेशान थे। वो लोग TDM के अंदर इस चीज़ को इनेबल करना एक्टिवेट करना चाहते थे, या फिर वो लोग ट्रेनिंग मोड के अंदर इसको एक्टिवेट करना चाहते थे। तो उन सभी भाइयों के लिए मैं ये अपडेट लेके आया हूं, यानी कि ये इंफॉर्मेशन आप सभी तक लेके आया हूं कि ये दोनों चीजें है ना वहां पे वर्क नहीं करती है, TDM पे और ट्रेनिंग मोड पे, ठीक है। यहां पे देख सकते हो अभी इसको अगर डिसेबल करना है तो सिंपली आपको करना ये रहेगा कि आपको उसी वाटरमार्क के ऊपर जाके थोड़ा 10 सेकेंड या इससे लेकर 15 सेकेंड तक होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी जो ट्रांसपेरेंट यूआई है ये डिसेबल हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, आपको सेटिंग्स पे जाके ट्रांसपेरेंट यूआई मोड को इनेबल करना है। अगर उसको इनेबल करे होंगे उसके बाद ही ये आपका एक्टिवेट एंड डिसेबल दोनों काम करेगा आपका गेम के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि यार ये इंफॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी, ये जो अपडेट आया है BGMI के अंदर नया, जो कि आप बोल सकते हो कि TDM के अंदर या फिर जो ट्रेनिंग मोड है उसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट यूआई आईडी काम नहीं करता है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए।
Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Great, you're about to win. The red team doesn't have a lot of time left.